आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल फाइल का जो सेफ फोल्डर होता है उसका आप लॉक तोड़ना चाहते होंगे। आप भी अपने गूगल फाइल के अंदर सेफ फोल्डर का जो पासवर्ड होता है वो भूल गए हैं, अब आप उसे खोलना चाहते हैं तो वो खुल नहीं रहा होगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने गूगल फाइल एप्लीकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे ये देख सकते हैं सेफ फोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, ये नहीं खुल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ और ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वाली वीडियो आपको यही बताऊँगा। तो यहाँ पे कई कई यूट्यूबर बता रहे हैं, यहाँ पे रेटिन साइट कॉर्नर पर क्लिक करके, सेटिंग पर क्लिक करके, यहाँ पे वो कह रहे होंगे सेफ फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और चेंज लॉक कर देंगे, ठीक है। तो चेंज लॉक जब हमें पहले वाला ही नहीं पता है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सवाल आपके जहन में या दिमाग में उठ रहे होंगे, तो आज की इस वाली वीडियो आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिखेगा, इस पर आप डालेंगे गूगल फाइल। जैसे कि मैं डाल देता हूँ गूगल फाइल FIL, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, अपडेट करना है। चलिए इसे यहाँ अपडेट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये चेंज कुछ नज़र आएगा आपको इस तरीके का, ठीक है। ये देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये देख, जैसे कि यहाँ पे आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, हाइड सेव फोल्डर इस तरीके से, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेम वही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डालेंगे सेव फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं रीसेट सेव फोल्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये बोले ऑल फाइल इन सेव फोल्डर विल बी परमानेंट डिलीटेड। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो डिलीट हो जाएगा, तब ये रीसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डिलीट होता है कि नहीं, रीसेट मैंने कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं, अब मैं बैक जाऊँगा, अब यहाँ पे मैं सेव फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ से रीसेट हो गया है और जो कुछ भी फोल्डर के अंदर था वो डिलीट भी हो गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न वगैरह फिर बता रहा है बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो डिलीट होगा 100%, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखी, खुद भी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये नहीं हुआ। तो आपको मैं यही जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके लिए नई वीडियो बना के दे दूँगा इससे संबंधित। जय हिंद।